इस वक्त की खबर आपको बताते कि कमला नगर पुलिस और सर्विलांस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते कि अंतर्राज्यीय खटखट गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 8 लाख रुपए के 11 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए। बता दें कि लुटेरे लूट करने के लिए अनोखे तरीके अपनाते थे। आपको बता दें कि कमला नगर पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कनौजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, कब इन शातिरों को पकड़ा गया है, जो गैंग के सदस्य हैं लुटेरे, इनको कब पकड़ा गया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए मैडम अनीशा, मैं आपको बता दूं कि आगरा की थाना कमला नगर पुलिस कैसोली और सर्विलांस की टीम ने 3 शातिर गिरफ्तार किए हैं, जिसमें दानिश को गिरफ्तार किया गया है, राकेश को गिरफ्तार किया गया है और अमजद को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों शातिर दानिश, राकेश और अमजद मेरठ के रहने वाले हैं। ये गैंग मेरठ का है, जिसे खटखट के नाम से जाना जाता है। और मॉडर्न मिनिस्टर, मैं आपको बता दूं कि ये गैंग है, जो गैंग के बेहद सातराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता था। जो बड़ी मार्केट होती है या हाईवे होता है, वहाँ पर ये गैंग सक्रिय रहता था और कार का दरवाजा खटखटाता था। और जैसे ही दरवाजा खटखटाता, कार चालक या अन्य व्यक्ति या किसी कार का शीशा खोलते थे, तो उनके हाथ में लगे मोबाइल फोन को छीनकर ये गैंग भाग जाता था। ये काफी समय से मनीषा वारदात को अंजाम गैंग दे रहा था। और जो सफलता पुलिस का हाथ लगी है, वो वास्तव में बड़ी सफलता है, क्योंकि इनके पास से कीमती मोबाइल फोन इस गैंग के पास से बरामद किए गए हैं। इनके पास से 11 मोबाइल फोन, जो सभी बेस कीमती मोबाइल है, जिसकी कीमत 8 लाख के आसपास आंकी गई है। मैडम मनीषा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो जो गैंग है, ये गैंग लंबे समय से वारदात कर रहा था, कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, लगातार सक्रिय था और ये हाईवे पर और मुख्य बाजारों में सक्रिय रहता था। जी राकेश, क्या इस गैंग में और लोग शामिल होने बताए जा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी है? देखिए बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि जब ये गैंग सक्रिय है, तो माना पुलिस भी इस बात को मानकर चल रही है कि ऐसा नहीं है गैंग में केवल 3 सदस्य हों, ये गैंग कई सदस्यों वाला हो सकता है और पुलिस अब इनके और साथियों की तलाश में जुटी है। ये गैंग आगरा ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी वारदातों को अंजाम देता था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये गैंग कई वारदातों को अब तक अंजाम दे चुका है। अब इनके दूसरे साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आगरा में किन किन इलाकों में इस गैंग ने और वारदातें की हैं। और राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर बता दें, कमला नगर पुलिस और सर्विलांस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय खटखट गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 8 लाख रुपए भी 8 लाख रुपए के 11 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। लूट करने के लिए ये जो गैंग थे, गैंग के सदस्य थे, वो अनोखे तरीकों को अपनाते थे। पकड़े गए लुटेरों से एक कार भी बरामद की गई है। मेरठ का ये गैंग बताया जा रहा है और गैंग के सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।